केसीएन में आपका स्वागत है, मैं किंग हमीद। सीपीए कैसी पार्टी है जो हमेशा सेक्युलर प्रोसेस को इतना करना चाहिए? तकरीबन 20 साल से 25 साल से शरद पवार साहब की पार्टी बीजेपी और दूसरे तमाम पार्टियों की अच्छी उपज दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कर्नाटक में भी एनसीपी का उपज आने वाले समय में हो और कर्नाटक में हम लोग तकरीबन 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जी सर। तो उम्मीद है कि 7 से 8 सीटें पर जीतने को मिल रहे हैं। 7 से 8 सीटें पर जीतेंगे। अच्छा, तो आगे में हुकूमत में हमारे लिए बहुत बड़ा काम रहेगा जी। जरूरत पड़ेगी सेक्युलर प्रोसेस को इकट्ठा रखने की जरूरत पड़ेगी, पूरी कोशिश करेंगे जी। सर, तमाम पार्टियों के अपने अपने मैनिफेस्टोस होते हैं, एनसीपी का क्या है सर? हमारा मैनिफेस्टो है जो तकरीबन सेक्युलर प्रोसेस को बना रखना है और हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको अपेंड करना है, माइनॉरिटीज का राइट्स हो, बैकवर्ड क्लासेस का राइट्स हो, सीट्स का राइट्स हो, उसको पूरी तरह उनको पहुँचाना जी। ये हमारा मेन मकसद है जी, हमेशा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या रहेगा सर? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो है कैंडिडेट है जी, उनका जो एजेंडा रहेगा जी, हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है जी, लेकिन हमारे कंपनी को लेकर मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर सके इस बार, उनसे आगे चलकर हम करेंगे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाइज हर त्यौहार उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, अगले 5 साल में अगर भी हम जीतकर आएंगे तो अगले 5 साल में इस तरह के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, जो भी है हम अपने हल्के के जो हल्के में जरूरत है जी। आप देखे होंगे पिछले 5 साल के एक लिए तुमने कहा यहाँ के महीने की जी जी, लेकिन उन्होंने हल्के की क्या क्या गर्भवती की, क्या क्या डेवलपमेंट किया और सब लोगों के सामने जी। लोग इस पर एक बदलाव चाहते हैं, बदलाव के हवा में आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि हम जीतकर आगे जरूर सर। पार्टी के तरफ से हर उम्मीदवार जो हर MLA बनेगा, जो हर उम्मीदवार जो कंडीश कर रहा है जी सर, उनको पार्टी के तरफ से पूरी पूरी तारीफ रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीतकर आगे। और ये आएंगे अजीत पवार आएंगे, सुप्रिया सुले आएंगे, फराना बेगम आएंगे, अच्छी डाक मिनट है जी। वो पहले तारीख के बाद शुरू करेंगे और आखिर के अंदर तमाम इन प्रोग्राम को कैनेडा के मुझे एक इंसर्ट कर्नाटक का इंसर्ट बनाया गया है जी। और आगे इलेक्शन के बाद पता नहीं है जी जी जी, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी आवाम को कि एनसीपी कोई नई पार्टी नहीं है जी। हाँ, कर्नाटक में पहली बार इसका उरूज हो रहा है और मैं इतना जानती हूँ कि जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं यहाँ पे, वो लोग हमारा टाउन जरूर करेंगे और हमारा इतना अच्छा जो मैनिफेस्टो बन रहा है, हालांकि मैं आज रिलीज करने वाली थी, कल हमारा जो लिस्ट हुआ था उसमें हमारा नंबर और निशान वगैरह कल 6 बजे मिला, तो हमें मैनिफेस्टो बनाने में लेट हो गया, तो मैं शायद कल या परसों मैनिफेस्टो रिलीज करूंगी। और हर साल के लिए मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, हर 5 साल के लिए जो बनाया है उसमें हम बखूबी जो भी कर रहे हैं उसका उसके लिए हमें पार्टी का भरपूर टाउन रहेगा और इंशाल्लाह आगे आने वाली हुकूमत को हमारा साथ टाउन भरपूर रहेगा। अगर हुकूमत बन गई तो हमारा टाउन रहेगा और जो जो भी हमने मैनिफेस्टो बनाया है उस पर हम खड़े होंगे। मैडम हाँ जी, हाँ जी, वो माशाल्लाह आप जितने भी यहाँ देख रहे हो ये पूरे हलके के वोटर हजरत हैं, कोई खरीदे वरीदे लोग नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सारे लोग हल्के के वोटर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद रिश्तेदार 8-9 हजार लोग मेरे इस हल्के में रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है और मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हमारे रहने वाले हैं, यहाँ तक के गैर मुस्लिम भी हमारे गाँव के लिए तैयार जी। और मुझे कोई इसमें शुबा नहीं है कि मैं मेरी जीत को वक्त को बदलाव चाह रहा है और उसी की तरह मुताबिक मुझे घड़ी का निशान भी मिल गया है। इंशाल्लाह वक्त को हालात को बदलने का मौका आया है
इस नरसिंह राजा हलके से जब मैं उम्मीदवार बन के आप लोगों के सामने आई हूँ, आप लोगों का भरपूर दान चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी माँ बहने और मेरे बुजुर्ग जितने भी अफराद और नौजवान साथी जो भी हैं मेरा भरपूर दान करेंगे और मुझे खिदमत करने का मौका भी देंगे। एक कहना चाहती हूँ, इस हलके में गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारे ऐसे गुसाई हैं जो हल होने के नाम ही नहीं ले रहे, और मैं चाहती हूँ इन फसलों को जितना भी हो सके हम हल करने की कोशिश करें और उसके लिए हम पूरी तैयारी करके हैं। मेरा मानना यह है कि मेरे फार्मिंग की 42 ईयर्स की भाई 40 साल की जो उनकी यहाँ पे जद्दोजहद है, काम है उनका, उनकी जो एक्सपीरियंस है, खिदमत है, उसको लोग मद्देनजर रखते हुए और मेरे जो इस 22 साल से जो मैंने खिदमत की है उन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए पहली बार अख्तर हमीदा बेगम साहिबा के बाद 36 साल हो गए, उसके बाद यही पहली बार है कि इस हलके को एक मोहतरमा लेडी कैंडिडेट आई है। और मैं सब हलके के साथ अजीजाना गुजारिश करती हूँ कि मुझे भी एक मौका दिया जाए और मुझे खिदमत का जरूरी है, खिदमत करने का मौका दिया जाए। मेरा निशान अभी आप जानते हैं घड़ी है और वो अल्लाह की तरफ से नेमत है मेरे, और मेरा साथ जो है वो मेरा लकी नंबर है। जल्दी वाला सर, मैंने जैसा सवाल किए अक्रम भाई सर, जैसे मैंने सवाल किया आप दुखों भी जानते हैं हालत, बताइए सर क्या बताएं। आज जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिस रुकता हुआ है, यहाँ से सारे हमारे पार्टी के एक्टिविटीज जो है इस ऑफिस से होंगे। इलेक्शन ऑफिसर के कुछ कानूनी चीजें जो है और कानूनी दायरे ही जी सर, उस कानूनी दायरे के तहत हमको उसके अंदर ही चलना है जी। पिछले जितने भी इंतखाबात हुए उस इंतखाबात में हर तरीके से अपने अपने दौर से अपने अपने तरीके से भी काम कर रहे थे जी। लेकिन 2020 पर 3 के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशनर ने जो कानून नाफिज किए हैं, जो कानूनी दायरा जो फिक्स किए हैं, उस दायरे के तहत हम काम कर रहे हैं और उसका उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। हमको काम जो करना है ग्राउंड लेवल पर करना है, ये धाम धूम ये करके बाजा बरिंग जी के जरिए से लोगों को दिखाने का काम नहीं है। जिलों को जीतना और हमारी तरफ रागिब करना, कर्नाटक के अंदर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बुनियाद जो हमने डाली है, हमारे मोहतरम मसूद भाई जो विराट पेट हल्के से वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है, और ये हम सब मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि कर्नाटक में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बुनियाद हो। आने वाले इलेक्शन की तैयारी इस इलेक्शन से हमने शुरू की है, आने वाले MP इलेक्शन में 10 कैंडिडेट हमारे यहाँ होने वाले हैं। अवाम का क्या तासीर है सर? अवाम का तासीर जो अवाम जो अपने दिल में बदलाव चाहे, अवाम जो यहाँ के हल्के की तरक्की को बदल कर एक नए चेहरे को सामने लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो अवाम कोई अपनी जबान से नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो अपने आप बदलाव चाह रहे हैं। जिस वक्त वोटिंग होगी, जिस वक्त वोट अवाम का जो फैसला डब्बे में जाएगा, उसके बाद 13 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा कि अवाम बदलाव चाह रही है या नहीं। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से, तमाम शहरिया ने मैसूर के हल्के नरसिंह राजा के बुजुर्गों से, नौजवानों से, मेरी माँ और बहनों से सबसे उम्मीद है कि वो एक नौजवान खातिन के रिहाना बानो आगे बढ़कर जो हिम्मत अफजाई के साथ जिस मैदान में खड़े हैं उसे भरपूर ताउन देंगे और कामयाब करेंगे। थैंक यू।